बीडीए के नवागत उपाध्यक्ष मनिक नंदन ए ने चार्ज संभालने के बाद पत्रकारों संग प्रेस वार्ता की। बीडीए वीसी ने कहा कि नाथ कॉरिडोर समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता की योजनाओं को तेजी से मूर्त रूप दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। माफियाओं को किसी भी हाल में अवैध कॉलोनी विकसित करने नहीं दी जाएगी। नई योजनाओं पर काम किया जाएगा और जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें समय से पहले पूरा करवाना है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता में शहर का विकास रहेगा, हर काम नियम से होगा। अवैध कॉलोनी के लेकर कर ऑलरेडी भी लाइक तत्कालीन वीसी साहब के माध्यम से कठोर कार्रवाई किया है एंड उसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जो भी बिना परमिशन और अवैध कॉलोनी काटते हैं जेसीबी चलेगी एंड इस तरफ इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखी जाएगी, वो माफिया घोषित करेंगे एंड गैंगस्टर और जो भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकता है वही हम करेंगे। अभी डेवलपमेंट के लिए तीन चार प्रोजेक्ट्स है। पहले तो हमारा ये नाथ कॉरिडोर का है, ये शासन का भी प्राथमिकता में है एंड बीडीए का भी सबसे पहला प्रायोरिटी में है। उसमें कुछ काम हो चुका है एंड रिमेनिंग में हम लोग फोकस कर रहा है, वी विल एक्सपेडिट करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारा रामगंगा का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया, अभी ग्रेटर बरेली का काम अभी चल रहा है, उसमें भी शासन से हमको जो किस्त मिलना था वो मिल गया है, उसमें हम लोग आगे बढ़ने वाला है लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में। एंड उसके अलावा जो भी बरेली का लोगों का एक्सपेक्टेशन है, नीड्स है, उसके हिसाब से हम लोग समझ कर कर बरेली के विकास के लिए, अर्बन अच्छे अर्बन लाइफ के लिए एंड प्लानिंग डेवलपमेंट में हम लोग काम करेंगे। सर, मास्टर प्लान शासन स्तर पर लंबित है तो उसके लिए क्या यस उसमें जैसे हमारा सचिव साहब ने बताया, हमारा तरफ से जो आपत्ति का जवाब वगैरह देना है वो ऑलरेडी दे चुका है एंड एक एक विकास प्राधिकरण के लेकर कर शासन लेवल में रिव्यू चल रहा है एंड कुछ जैसे अभी मथुरा और अन्य प्राधिकरण का तो हो चुका है, अभी हमारा नंबर भी आने वाला है, जैसे आ रहा है हम लोग उसको जल्दी वी विल गेट इट अप्रूव्ड एंड उसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कब्जा कर रहा है उनको खिलाफ मुकदमा लिख जाएगी एंड जैसी भी चलेगी। उन लोग के खिलाफ भी ऑलरेडी मैं वो उसी के लेकर के भी डिटेल मांगा हो, उसी के भी हम लोग रिव्यू करेंगे, जो भी आदेश हो चुका है कंप्लायंस अभी तक नहीं हुआ है उन लोग के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। जो भी भूमाफिया है ये इधर किसी भी कैटेगरी का हो सकता है उन लोग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। उसी तरफ का हम लोग एक बार मतलब जैसे कंप्लेन शिकायत वगैरह आते हैं और हमारा संज्ञान में आते हैं उन लोग के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण में जेई की बहुत कमी है जिसके कारण एक एक जेई उस क्षेत्र को नहीं देख पाता है, वो तीन तीन थाने उसके पास दिए हुए, वो एक ही नहीं देख पाता है, जरा तीन दिन नहीं देखो उसकी भी समस्या। एक्चुअली ये चैलेंज तो लगभग सभी विभाग में है एंड अभी तो हमारे पास 7-8 जेईस है, हमारा कैपेसिटी तो 30 है एंड दिस लेवल इज देयर। हम लोग शासन से भी हम लोग इसको मांगेंगे, वी विल रिक्वेस्ट अगर वहाँ से कुछ हमको मिल जाए एंड दिस हमारा लेवल से समाधान होने वाला नहीं है, फिर भी हमारा लेवल से सारा प्रयास रहेगी जल्दी से जल्दी हमारा मैन पावर को भी पूर्ण करने। अगर अगर हमारा विकास प्राधिकरण का अगर स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं उनको केवल पहले तो नौकरी से डिसमिस करेंगे, सेकेंड कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी सर कुछ जगह देखा गया है यहाँ पे कई बार वीडियो नहीं किए लेकिन उन लोगों का रेगुलर उस पे कब्जा है और अभी कुछ जगह देखा गया है। हम एक बार इसको पूरा रिव्यू करेंगे, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, जो भी इस तरफ का अधिकार मंच है दोबारा जो रिव्यू कर दोबारा ये लोग कब्जा करते हैं फिर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखी जाएगी, फिर भूमाफिया करेंगे। अगर एक बार हटने के बाद दोबारा कब्जा कर रहा है डेफिनेटली वो तो भूमाफिया ही है। ठीक है, सो ओके एक बार इसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं, वी विल रिव्यू इट एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। ठीक है।